सबसे पहले पिकसार्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे देखेंगे प्लस के एक आइकॉन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर देखेंगे ऑल फोटोज, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, तो ये वाला बैकग्राउंड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब इस बैकग्राउंड के ऊपर आपको अपने फोटो का पीएनजी लगाना है, तो इसके लिए इधर सेलेक्ट करना है, एड फोटो पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपने फोटो का पीएनजी ऐड करना है। तो पीएनजी इमेज किस तरह से बनता है, मैंने इसका एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख के सीख सकते हैं। अब इस फोटो खींच के बड़ा करके अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट हो जाने के बाद ऊपर राइट का निशान है, यहाँ से ओके कर देना है। अब आपको क्या करना है, गले में चैन लगाना है। तो चैन लगाने के लिए इधर स्लाइड करके एड फोटो पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको ये चैन वाला इमेज को ऐड करना है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह से चैन ऐड करने के बाद अब इसको गले के पास ला के इस तरह से सेट करना है। अब यहाँ पे हल्का हल्का इरेज करना है, तो इरेज करने के लिए इधर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में इरेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इरेज वाले पे क्लिक करना है, हार्डनेस ओपेसिटी साइज इस तरह से कम करके आपको फोटो को जूम करके आपको गले के पास इस तरह से चैन को इरेज करना है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे किस तरह से इरेज कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी इरेज कर लेना है। इरेज करने के बाद ऊपर राइट का निशान है, यहाँ से ओके करना है, फिर इधर राइट का निशान है, यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब जिम के पास ब्लेड लगाना है, ब्लेड लगाने के लिए एड फोटो पे आना है और यहाँ से आपको ब्लेड वाला पीएनजी इमेज को ऐड करना है। इस तरह से ऐड करने के बाद अब ब्लेड को छोटा करना है, फोटो को जूम करना है और जीप के पास ला के इस तरह से सेट करना है। इस तरह सेट होने के बाद अब इसका ओपेसिटी को कम करना है और यहाँ पे आपको इरेज करना है। देख सकते हैं यहाँ पे जीप है, इसी पे इरेज करना है, इरेज वाले पे क्लिक करना है। फिर से नीचे इरेज का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके इसका साइज को कम कर लेना है। कम करने के बाद अब क्या करना है, फोटो को जूम करना है और यहाँ पे आपको इरेज करना है। देख सकते हैं कहाँ पे इरेज करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो इस तरह से आपको इरेज कर लेना है, अच्छी तरह से इरेज कर ले। उसके बाद ऊपर देखे राइट के निशान है, यहाँ से ओके करना है। उसके बाद इसका ओपेसिटी को आपको फुल कर देना है। उसके बाद फुल होने के बाद यहाँ पे राइट के निशान है, यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जीभ के पास यानी ब्लेड के पास यहाँ पे ब्लड लगाना है। इसके लिए इधर स्लाइड करना है, यहाँ पे आपको ऐड फोटो का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको ब्लड वाला इमेज को ऐड करना है। ऐड करने के बाद फोटो को जूम करना है और ब्लड को छोटा करके और आपको जीभ के पास इस तरह से एडजस्ट करना है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर किस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको एडजस्ट करना है। एडजस्ट होने के बाद अब यहाँ पर हल्का हल्का इरेज करना है, तो इरेज वाले पर क्लिक करके फिर से इरेज वाले पर क्लिक करना है और इसका हार्डनेस ओपेसिटी साइज तीनों को आपको इस तरह से कम करना है। कम कर लेने के बाद फोटो को जूम करके अच्छी तरह से इसमें इरेज करना है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर किस तरह से इरेज कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी इरेज कर लेना है। इरेज हो जाने के बाद यहाँ का राइट का निशान है, यहाँ से ओके करना है, फिर इधर राइट का निशान है, यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब एक ब्लड और लगाना है, तो फिर से इधर स्लाइड करना है, एड फोटो पे आना है, यहाँ से ब्लड वाला पीएनजी इमेज को ऐड करना है। इस तरह से ऐड कर लें, ऐड करने के बाद इसे भी छोटा करना है और फोटो को पहले जूम कर लेना है और जीप के पास इस तरह से ला के सेट करके लगा देना है। इरेज वाले पे क्लिक करना है, फिर से इरेज पे क्लिक करके इसका साइज ओपेसिटी और हार्डनेस तीनों को कम करके फोटो को जूम करके आपको ऊपर ऊपर इरेज करना है ताकि ऐसा लगे कि ब्लेड से ही निकला हो। इस तरह से इरेज हो जाने के बाद ऊपर राइट का निशान है, यहाँ से ओके करना है, फिर इधर राइट का निशान है, यहाँ से आपको ओके कर देना है। इसके बाद अब नीचे धुएं लगाना है, स्मोक लगाना है, तो इसके लिए एड फोटो पे दोबारा से आना है, इस पर क्लिक करके आपको स्मोक वाला इमेज को ऐड करना है। तो इस तरह से ऐड कर ले, ऐड करने के बाद अब इसका ब्लैक पार्ट हटाने के लिए स्लाइड करके ब्लेंडिंग में आना है, यहाँ से आपको स्क्रीन कर देना है। अब फोटो खींच के बड़ा करके नीचे आपको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद ऊपर राइट का निशान है, यहाँ पर क्लिक करके ओके करना है। अब फोटो को सेव करना है, सेव करने के लिए ड्रॉ वाले पे आना है, फिर से ड्रॉ पे क्लिक करना है। उसके बाद इधर देख सकते हैं थ्री डॉट का निशान है, इस पर क्लिक करके सेव इमेज पर क्लिक करके फोटो को सेव करना है। अब फोटो में लाइटिंग इफेक्ट लगाना है, तो इसके लिए आपको स्नैपशीट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने का प्लस का आइकॉन पर क्लिक करना है, जो आपने पिक्सार्ट फोटो सेव किया था उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऊपर देखें यहाँ पे पेंसिल का आइकॉन है, इस पर क्लिक करके ट्यून इमेज पर क्लिक करके दाएं बाएं सेलेक्ट करके ब्राइटनेस लेवल एडजस्ट करना है। तो किस तरह से इसमें लाइटिंग इफेक्ट लगता है, मैंने इसका एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके देख के सीख सकते हैं। डाउनलोड करने के डाउनलोड पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करके सेव। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि मैं आप हमेशा रेगुलर फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल या फिर वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।